दोस्तों आपने स्ट्रीट फूड तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने श्रीनगर कश्मीर का वेज स्ट्रीट फूड देखा है? और तो और कश्मीर में मिलने वाली 32 इंच की बड़ी पूड़ी को तलते हुए देखा है? नहीं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कश्मीर श्रीनगर की वादियों से यहाँ का वेज स्ट्रीट फूड, जिसमें पूड़ी हलवा, कश्मीरी लोकल रोल और कमल काकड़ी और मटर और भी इस तरह तरह के पकौड़े, ये सब आज हम आपको दिखाएंगे और आज आपको खा करके भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और अभी मैं हूँ श्रीनगर में। जी हाँ, मैं हूँ कश्मीर में और यहाँ हम कल आ गए थे। रात का समय था तो रात को तो होटल में ही रुके, उसके बाद में सुबह होते ही सबसे पहले हम गए दल लेक। जो दल लेक है, ईद होने की वजह से दल लेक भी क्लोज था, तो दल लेक क्लोज होने के कारण और मार्केट ईद के कारण क्लोज होने के कारण अभी हम शाम का समय है दरगाह आए हैं और दरगाह के बाहर ये दो चार शॉप्स खुली हैं जहाँ पर कश्मीरी कुछ लोकल स्ट्रीट फूड मिलता है, तो वो आज मैं यहाँ पे कवर करने आया हूँ। एक छोटा सा एपिसोड बनाऊंगा क्योंकि आज के दिन कुछ भी खुला हुआ नहीं है इसलिए। तो मेरे पीछे एक ये आप देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं हलवा पराठा और ये मैदे का पराठा होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। तो चलिए बात करते हैं, समझते हैं कि ये क्या चीज है, बनवाएंगे और यहाँ पे खा करके देखेंगे और देखेंगे कि इसका जायका कैसा है। आइए जी, सबसे पहले आपका नाम? नसीम अहमद। तो ये कितने टाइम से है ये जो शॉप है? ये शॉप तो हो गया 20 साल। 20 साल हो गए जी। और किस नाम से है? शौकत अली सूफी। शौकत अली सूफी, अच्छा। तो ये क्या चीज है, ये इतना बड़ा जो मैं, ये क्या है? पूड़ी है, पराठा है, क्या है? ये मैदा का पराठा होता है। मैदा का पराठा जी, जी। और इसके किसके साथ में खाया जाता है? ये सूजी का हलवे के साथ। इसके साथ जी, सूजी का हलवा होता है। सूजी के हलवे के साथ जी, क्या बात है। तो ये आप यहीं आकर बनाते हो कि बनाकर लाते हो? नहीं, यहीं बनता है। यहीं बनता है। सुबह कितने बजे आते हो आप? सुबह 8 बजे आ जाते हैं। 8 बजे? अच्छा, तो एक जरा ये बना के दिखाओगे ये वाला जो पराठा किस तरह से बनता है? बनाइए सर एक। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे श्रीनगर से, है ना, कश्मीर श्रीनगर में है अभी हम। और ये दरगाह है ना यहाँ पर? दरगाह हजरत पल है। दरगाह हजरत पल जी। और ये क्यों खास है, क्यों लोग ज्यादा यहाँ आ रहे हैं? यहाँ ये बड़ा आस्थान है यहाँ का, कश्मीर का। अच्छा, ये ज्यारत सबसे बड़ी ज्यारत है कश्मीर की। अच्छा जी। यहाँ कश्मीर में सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं इस जगह को। ये तबर्रुक है यहाँ का। तबर्रुक किसको बोलते हैं? जैसे प्रसाद होता है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, जी प्रसाद इसी अच्छा, तरह से प्रसाद के रूप में यहाँ खाते हैं जी। अच्छा, जी। और लोग लेकर भी जाते होंगे? जी जी, घर पे लेते हैं। खूब ज्यादा बिकता है। अच्छा, खूब ज्यादा बिकता है। तो ये देखो दोस्तों किस तरीके से ये बनाया जा रहा है यहाँ पर, और कितना बड़ा आप देखिए यार, ये देखिए साइज, ये कितना बड़ा होता होगा लगभग, मतलब इसका साइज कभी नापा है आपने? ये होता है 33 34 34 इंची 33 इंची। 34 33 इंची का जी। ये देखो यार, 35 भी 40 भी बनता है। अच्छा, इससे भी बड़ा बनता है? जी जी जी। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखो ये दरगाह का मार्केट है श्रीनगर में जहाँ पर ये, अच्छा आपने इसके बीच में छेद किए है ना? जी जी जी। क्या बात है। अच्छा, छेद नहीं करेंगे तो फूल जाएगा? ये फूल जाता है ना, वो तो और अच्छा लगेगा ना, फिर ये भटूरा बन जाएगा ना। अच्छा, ओके, क्या बात है, बिल्कुल क्रीमी हो गया अंदर जाके। हाँ जी जी जी। तो ये तेल में आप इसको कर रहे हैं या कैसे? जी जी जी, ऑयल है। ऑयल है, कौन सा ऑयल है? रिफाइंड होता है। रिफाइंड, क्या बात है यार, मतलब देखो इस तरीके की चीज पहले हमने रिकॉर्ड नहीं की है कहीं पे भी, है ना। तो ये बहुत मुझे यूनिक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और अभी जब ये बन जाएगा इसको टेस्ट भी करके देखेंगे कैसा है जायका इसका, जी, जी, है ना? टेस्ट करना, टेस्ट। ये देखो दोस्तों यार, अच्छा इसको कुछ अलग भी बोलते हैं या फिर बस इसको पराठा और हलवा ही बोलते हैं? पराठा हलवा बोलते हैं। क्या बात है दोस्तों, ये देखो यार साइज, देखो यार इसका, एक बार ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। ये देखो यार दोस्तों, अब ये यहाँ आएगा, क्या बात है, लुक एट द साइज यार, लुक एट द साइज यार, बहुत बढ़िया। तो जैसे ये अभी गरम गरम निकला है ना जी, तो ये पूरा लेते हैं लोग या इसमें से भी आप टुकड़े करके देते हो? टुकड़ा करके भी देते हैं, पूरा भी लेते हैं। तो मुझे तो एक छोटा सा टुकड़ा दीजिएगा, है ना जी जी, क्योंकि अभी हम खाना भी खा कर आए हैं। जी जी, खाइए। और अच्छा, आप सबको ईद मुबारक। खैर, आपको खैर। ये मैदा का पराठा, ये देखो दोस्तों, ये एक हिस्सा मैदे के पराठे में से इन्होंने लिया और उसके बाद में देखो ये जो है ये हलवा है ना जी, जी, सूजी का। सूजी का, क्या बात है, ये देखो सूजी का हलवा इसके ऊपर। और ये देखो इसके ऊपर ये क्या क्या डाला हुआ है आपने? ये नारियल है। नारियल होता है मेवा वगैरह। कलरफुल नारियल है क्या? जी, जी, जी। अच्छा जी, तो ये है जी आज का हमारा जायका, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज हम हैं कश्मीर श्रीनगर में और श्रीनगर हम आए हैं फूड ब्लॉगिंग के लिए। तो ये यहाँ पर बहुत ही मशहूर एक हजरत बल दरगाह है जिसके बाहर का ये मार्केट है, लोकल मार्केट है, ये डेली लगता है ना, हर रोज लगता है। और सुबह कितने बजे? 8 से 10 तक। 8 से 10 तक। देखिए ये मेकिंग हमने लिए, इसको हलवा पराठा बोलते हैं, ठीक है, ये सूजी का हलवा है।
और ये देखो एक मैदे का पराठा है, अभी गर्मा गर्म अभी बना था, हमने आपको पूरी मेकिंग दिखाई थी इसकी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया था। और ये देखिए एक निवाला हमने तोड़ा और ये इसके ये सॉफ्ट बिल्कुल हलवा इसके साथ, खा करके देखते हैं एक बार। टेस्ट है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब देखो टेस्ट में आपको बता देता हूँ, जो अपन भटूरा खाते हैं ना ये वैसा सा है, लेकिन इसमें जो नमक है शायद थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, है ना, ताकि नमकीन रहे, थोड़ा नमकीन, तो ये थोड़ा नमकीन है, क्रिस्पी है। और ये वाली जो चीज़ है ये मिठास लेकर के, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत सही लग रहा है यार, बहुत बढ़िया। वन मोर बाइट, बहुत बढ़िया। ये जो हलवा है ना ये बहुत फ्रेश है और बहुत सॉफ्ट है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये देखो मतलब देखो ये एक ऐसी चीज़ है तो स्ट्रीट फूड, दरगाह के बाहर है मेन मार्केट में, लेकिन अगर आपको भूख लगी और अगर आप मीठे के शौकीन है ना ये लेकर के खाइएगा जरूर, बहुत मजा आ जाएगा आपको। इसकी क्या क्या प्राइस होती है? ये 120 होती है। 120 इसका 1 kg? अच्छा 1 kg का, 1 kg 120 रुपीज का। और ये जो मैंने लिया हिस्सा, नहीं एक अगर कोई ले इतना, क्या दाम? 30 का भी होता है, 30 रुपए का होता है, 30 का भी होता है, 40-50 जितना भी आप लेना, जितना भी आपको लेना, 20 का ले लो, 10 का ले लो, बाकी वो जो एक दाम है वो तो है ही, वो तो है ही, है ना। तो ये देखो ये पूरा अगर आप लेंगे, पूरा 1 kg होता है, है ना, ये पूरा 1 kg होता है और इसके साथ में ये भी आ जाता है ना। तो अगर आप 1 kg क्वांटिटी लेते हो तो आपको 120 रुपए की पड़ेगी, है ना, 120 रुपीज। एक्चुअली आज मैंने सुबह से सोचा था कि मैं बहुत कुछ शूट करूंगा, स्ट्रीट फूड और जो यहाँ का वाजवान होता है वो भी, बट आज क्या ईद है और मुझे ये पता नहीं था कि ईद वाले दिन मार्केट बंद रहता है, ठीक है, बट होपफुली मुझे ये वाली जो दुकान है वो खुली मिली और जो टेस्ट है ना बकायदा बहुत अच्छा है और दिल खुश हो गया मतलब ये खा के। श्रीनगर की एक ये नया जायका है, अगर आप कभी भी श्रीनगर आते हैं तो दरगाह आएँ और ये वाला जो जायका है वो खा करके देखें, मज़ा आएगा आपको। तो देखो जहाँ जहाँ हमने ये हलवा पराठा खाया था ना उसी के पास में एक और यूनिक चीज़ मिलती है, यहाँ पर है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके के पकोड़े हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, जानते हैं कि ये किस किस चीज़ के हैं, का नाम क्या है? मेरा नाम है कफील। कफील, तो आप यहीं से हो? लोकल नहीं, उत्तराखंड से, बाहर से। उत्तराखंड से हो आप, ठीक है। ये कब से लगा रहे हो आप? ये हो गया 20-25 साल हो गया था। 20-25 साल हो गया ऑलरेडी, अच्छा। तो अब ये क्या क्या किस किस चीज का पकौड़े एक बार बताएंगे आप? ये लदरू। लदरू, हाँ, इसको कश्मीरी में बोलते हैं लदरू। ये क्या होता है? ये कमल काकड़ी होती है, पानी में आता है, ये सब्जी भी बनता है। कमल काकड़ी, और ये मीठा थोड़ी होता है? नहीं नहीं, आप करो थोड़ा, ये है वैसे मेरे पास, थोड़ा सा इतना करनी भाई, इतना तो नहीं, ये लो, ये डालूंगा मसाला। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग ले रहे हैं लेकिन टेस्ट के हिसाब से ज्यादा क्वांटिटी है, बट एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी आप थोड़ा टेस्ट चेंज कर लेते हैं। तो ये है नदरू। जी हाँ, कश्मीरी, कश्मीरी नदरू। ये एक्चुअली जो लोटस होता है, हाँ, कमल का, हाँ, उसकी मेरे ख्याल से डंडी है, हाँ, ये वही वही। तो ये है एक बार कमल काकड़ी खा करके देखते हैं। देखो मैं आपको इसका टेस्ट बता देता हूँ, पहली बात तो थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि ये हार्ड ये आज बनता है, ये आज बनता है, जो मसाला इन्होंने डाला है ना इसके ऊपर वो बहुत सही है, बाकी इसका कुछ खुद का कुछ खास टेस्ट नहीं है, है ना? नहीं, ये कश्मीरी है, हाँ, तो इसका तो कुछ खास टेस्ट नहीं है, लेकिन जो ये मसाला डालते हैं ना उसके साथ में ये बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से कहावा और चाय के साथ दे देते होंगे लोग, चाय से बेहतर चाय के साथ खाते हैं, है ना, कश्मीरी है ना ये, मेरे को खाते ही लगा कि इसके साथ चाय होगी तो, कोई ये बाहर का कोई नहीं खाता, कश्मीरी खाते ज्यादा, कश्मीरी ज्यादा खाते, हाँ, कश्मीरी। अच्छा, तो देखो ये खाते ही मेरे को ऐसा लगा कि शायद चाय या कहवा होता साथ में तो और मजा आता, बट और चीजें ट्राई करते हैं। तो ये क्या चीज है? ये आलू के पकौड़े। अच्छा, ये फ्राइज है? हाँ, ये क्या फ्राइज, फ्राइज जो अपन खाते हैं ना लोग, फ्रेंच फ्राइजेस, तो ये कश्मीरी फ्राइज है, आलू होता है, और ये जो आपने जिसमें ये आटा, कौन सा आटा होता है? चावल का आटा, बेसन, ये बेसन में बने हुए, तो ये चावल का आटा और बेसन को मिला करके एक डिप बनाते हैं और उसमें ये आलू डिप करके और डीप फ्राई कर देते हैं, है ना, उससे ये फ्राइज बनते हैं, कश्मीरी फ्राइज है, मसाला इसमें भी डाला है इन्होंने, इसमें आलू का जायका आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये फ्राइज अच्छे लग रहे हैं, बट ये जो इनका डिप है ना जो इसके ऊपर ये चावल का आटा और लगाया है इन्होंने, उससे थोड़ा क्रिस्पी हो गया, ये मसाला अगेन बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसके टेस्ट को। ये भी अभी क्या चीज है? ये है मटर। मटर, हाँ, क्यों मटर होता है? अच्छा, ये वाला है मटर, है ना, ये मटर है, हरा okay. वाला मटर, हरा वाला मटर आता है, उसको डिप में डाल के डीप फ्राई कर देते हैं, ये पका हुआ आता है ना वैसी ऐसी, इसको हम भिगोते हैं फिर पानी। अच्छा जी, देखो एक और हमने ले लिया, ये है मटर, ठीक है, खा करके देखते हैं। ये आलू ले लो, कितना क्रिस्पी है ये, आप खाओगे तो
बहुत क्रिस्पी है और मसाला इसके ऊपर भी है। देखो हो क्या रहा है, कोई भी चीज़ खा रहा हूँ ना तो उस पर्टिकुलर का टेस्ट बिल्कुल लास्ट में आता है, जब आप बाइट ले लेते हो, अच्छे से चबा लेते हो, जब निगलने वाले होते हो ना तब उसका टेस्ट आता है। तो ये मटर का है और मसाला जो ये डालते हैं वो बहुत बेहतरीन है। तो ये है अब हमारी चौथी चीज है ना, ये है आलू चिप्स। आलू चिप्स है ये, ओके। मसाला डाल के ये है जी, देखो आलू को बिल्कुल पतला स्लाइस करके और उसको उसी डिप में डीप फ्राई करके और मसाला अपना जो सिग्नेचर मसाला है इनका वो डाल के दिया है इन्होंने, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें रूखी लग रही हैं, थोड़ी सी वैसी सी है ना, तो इसके साथ कोई चटनी नहीं देते हो क्या? नहीं चटनी है। कौन सी चटनी है? चटनी मूली प्याज का है। मूली प्याज का चटनी है, अच्छा जी। तो ये किसी के भी साथ ले सकते हैं? किसी के भी साथ, कस्टमर मांगता है हम देते हैं। तो ये मूली प्याज की चटनी है, ये देखो कितना अब आया टेस्ट है? अब लगा है? ये कॉम्बिनेशन सही है। तो इन शॉर्ट अगर आप कभी भी आते हो तो ये चटनी जरूर मांग लेना इनसे, ठीक है? तो जायका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखो आलू चिप्स हो गई, ये कमल काकड़ी हो गई, ये मटर हो गए, ये आलू और आलू के फ्राइज हो गए, लास्ट ये बचा है शायद प्याज का है, प्याज का पकौड़ा। प्याज का पकौड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, बस यही दे दो, थोड़ा देगा ना, यही दे दो। तो ये सब आप कितने बजे बना देते हो? यहाँ बनता रहता है सुबह से। अच्छा, ये बनेगा खत्म होगा फिर बन जाएगा? भट्टी भी चालू है। अच्छा भट्टी भी चालू है, देखो दोस्तों यहाँ पे भट्टी लगा रखी है, वैसे इन्होंने सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बनता रहता है और बिकता रहता है, क्योंकि ये जो दरगाह मार्केट है ना ये बहुत बजलिंग है। आज क्या ईद है इसकी वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा रश नहीं दिख रहा, लेकिन कल जुम्मा है, कल यहाँ पे इनका कहना है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होगी। सही है, सही बात है। चलो जी, तो ये आलू चिप्स तो खा लिए, अब ये है जी ये प्याज के पकौड़े हैं, खा के देखते हैं। जैसे प्याज के पकोड़े होते हैं थोड़ा सा प्याज का स्वीटनेस आता है, बाकी पकोड़ा है। अगेन मैं बोलूंगा अगर इसके साथ कहवा और चाय होती ना तो इसका जायका डबल हो जाता। स्ट्रीट फूड है, लोकल फूड है, कश्मीरी फूड। आप कभी भी दरगाह लाइन दरगाह की तरफ आते हैं ये दो जायके जरूर एक बार आप ट्राई कीजिएगा अगर आप कश्मीर श्रीनगर आते हैं तो। बट भाई जान आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद, ठीक है। तो ये क्या आइटम बन रहा है यहाँ पे? ये चटनी बनता है, बहुत चीज चटनी, वहाँ मूली का, प्याज का, बंद का और गाजर का, दही का। अच्छा, और ये इसमें गोल गोल क्या है? ये नींबू है। नींबू बिना काट के डाला हुआ है आपने? नहीं, काट के डालता है। काट के डाला हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है? रोटी है। एक बार एक दिखाइए रोटी। हाँ दिखाओ, ये रोटी दिखाओ। इसको क्या बोलते हैं? कश्मीरी बोलता है, कश्मीरी मसाला। कश्मीरी लवासा मसाला। लवासा मसाला, ओके। तो ये लवासा हो गया, ये मसाला हो गया और ये चटनी हो गया। ये चटनी हो गया और मसाला। अच्छा ये क्या है दिखाइए एक बार जरा। ये है, अच्छा चना है, ये चना मसाला, ओके। तो एक बनाइए, ये कैसे बनता है बताइए। ये देखो सबसे पहले ये चटनी लग गया है ना, बहुत बढ़िया। और ये देखो यहाँ से इन्होंने ये चने निकाले और इसमें डाल दिए और दोबारा से ये चटनी लगा दी लवासा के ऊपर, है ना। और ये आपने मसाला डाला, इस मसाले में क्या क्या है? बहुत चीज है, जैसे पुदना है, दालचीन भी है, अला भी है, बड़ाला भी है, बीस तक। अच्छा, और ये जो अभी आपने रोल बनाया है ये कितने रुपए का है? ₹20 का है ना, बहुत बढ़िया। हैवी सा लग रहा है, ₹20 में तो पेट भर जाए आदमी का, है ना। दो रोटी अगर खाएगा तो पेट आ गया है, क्या बात है। अच्छा ये एक बार बता दो आप कहाँ लगाते हो ये अपना, ये क्या बाजार है एक बार बता दीजिए। हजरत बल बोलता है, हजरत बल। और क्या टाइमिंग रहता है आपका यहाँ पे? 10 बजे तक और 8:30 तक शाम का। 10 बजे सुबह आते हो और शाम को 8:30 बजे तक रहते हैं? 9 तक रहेगा। 9 तक रहे। अच्छा, तो लवासा रोल बोले क्या बोलते हैं इसको? मसाला रोटी, लवासा मसाला रोटी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये वही दरगाह मार्केट है जहां हमने आपको दो स्ट्रीट फूड दिखाए थे जो कि वहां कोने में थे। थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, मेरे ख्याल से कुछ 50 कदम आगे चलेंगे तो ये कार्ट आपको दिखेगा यहां पे, जहां पे ये लवासा चना मसाला आप देखो। चना, लवासा चना मसाला, ठीक है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप क्लियर कर देना। बाकी देखो ये एक रोल है ना, जिसमें एक देखो ये रोटी है और इसमें चना डाला है और ये चटनी डाली है। इस चटनी में दही है और बहुत सारी चीजें जो इन्होंने बताई थी। बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए, देखो मजा, चटपटा है बहुत, है ना। पहला बाइट लेते ही जो चना है ना वो इतना सॉफ्ट है, दूसरा जगह इतना अच्छा है। चना बहुत ही सॉफ्ट है और जो टेस्ट आ रहा है ना बहुत ही चटपटा सा, मतलब खटास थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी ओवरऑल मतलब सही प्रिपरेशन है। इवन जो ये रोटी है ना ये भी बहुत सॉफ्ट है, आपको मतलब ज्यादा चबानी नहीं पड़ेगी। दही भी थोड़ी सी खटास लेकर के इसमें, है ना। नहीं, इसमें अचार का चीज है, अचार का चीज है, ऐसा लग भी रहा था मेरे को अचार ही टेस्ट टाइप है, इसलिए आएगा दही का।
7000 चक्कर है। इसमें दानवल भी है, आसुर भी है, जायवंत भी है, आचार भी ज्यादा जायवंत भी लगता है, आसुर भी लगता है और जुर भी लगता है। हालांकि ये जो भी आपने बोला शायद कश्मीरी में बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, बट ये सारे मसाले यहाँ पे है ना। बहुत चटपटी चीज है, बहुत चटपटा रोल है, दरगाह वाली रोड पर है। इसमें नाम है हजरत बल, हजरत बल। इसमें जियारत भी है। जियारत क्या होती है? जियारत बड़ा में मान्यता बहुत नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जियारत करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। चीज बहुत अच्छी है और बहुत मुबारक जगह पर है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। लोग यहाँ 2012 से आ रहे हैं और ये रोटी यहाँ का बहुत इधर कश्मीर के अंदर इदर, हर जगह इधर का भी, खासतौर से हजरत बल का तो है ही। कल जुम्मा के दिन आके देखिएगा यहाँ पे, तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ। अच्छा जी, मतलब इतना मतलब है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, जीत की वजह से मार्केट बंद है। बाकी ये बहुत अच्छी चीज है, देखो 20 रुपीज का है, 20 रुपए का, और बहुत फ्रेश है। अचारी टेस्ट के साथ में रोल है एक, और कभी भी अगर आप यहाँ पर आते हैं इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, कश्मीरी जायका है। अब हम हमारी चौथी जगह पर चलते हैं और आपको दूसरा जायका दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कितने का है ये? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। ओके, और अभी आप कितने का दे रहे हो? अभी आप केजी दे रहा हूँ 30 रुपए। अच्छा, ये जगह क्या है? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। सॉल्ट होता है और नेमबन होता है। हाँ, तो वो जो भी आप डाल के देते हो ना। वैसे आप ये कितने समय से लगा रहे हो यहाँ? पूरा हो गया हूँ, पता चला। पहले पकोड़े बेच रहा हूँ। पहले पकोड़े बेचते थे यहीं पे? ये इधर सर्दियों में पकोड़े वकोड़े बेच रहा हूँ। अच्छा, तो गर्मी में ये बेच रहा हूँ। ओके, यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी किस महीने में पड़ती है? सर्दी में दिसंबर, जनवरी और फरवरी, उस समय यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम होता होगा। कम होता है, सर्दी हो ना ठंड बहुत होती है, क्योंकि बाहर के है ना, बाहर के जो होते हैं नींबू भी डालते हैं, वो इतना एफर्ट नहीं करते हैं, वो उतनी सर्दी। कितना माइनस में चला जाता है? माइनस में। तो एक्चुअली हम वे टू कारगिल हैं, हम लोग कारगिल जा रहे हैं, श्रीनगर में थे 3 दिन से, और रास्ते में मुझे ये दिखा, भूख भी लगी थी, सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो मन हुआ कि कुछ फ्रूट ही खा लेते हैं, तो ये देखो फ्रूट लिया है। और इन्होंने बता दी होगी जगह वीडियो में आपको, मैं भूल गया वापस, बट ही खा करके देखते हैं। मसाला डाला है इन्होंने और नींबू भी डाला है इन्होंने। मीठा है, उसके रंग से लग नहीं रहा था कि ये मीठा होगा ज्यादा।